में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और करते हैं खबरों की ओर। अब दगा टिपकांड मामले के में नाम आने के बाद पिछली सरकार के कद्दावर मंत्री रहे राजेश मूढ़त ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि मामले में किसी तरह का कोई साक्ष्य है तो शपथ पत्र लेकर कांग्रेस पार्टी को कोर्ट जाना चाहिए। कांग्रेस शपथ पत्र देकर कहे कि मेरे घर के 7.5 करोड़ रुपए दिए गए थे और तब मैं बताऊंगा कि न्यायालयीन प्रक्रिया क्या होती है। उन्होंने कहा है कि मंतूराम पवार ने कोर्ट में धारा 164 में जो बयान दिया है उस बयान में भी कॉन्ट्रोवर्सी है और कोर्ट और मीडिया में उसने सुनी सुनाई बात का हवाला दिया है, साक्ष्य नहीं है। राजेश मूढ़त ने कहा है कि चूंकि यह पूरा मामला कोर्ट में है लिहाजा हम वहां लड़ाई लड़ेंगे, हमें पूरा कोर्ट पर भरोसा है। अगर आपके पास कोई तथ्य है, आपके पास इस प्रकार की कोई चीजें हैं, आए शपथ पत्र देके कोर्ट के अंदर आए, न्यायपालिका के अंदर सामने विश्वास है वहां दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिर जाकर के बोले हाँ इन्होंने इनके बंगले से मैं इनसे पैसा लेकर के आया, कौन दो व्यक्ति आए ना, नाम लेकर के बोले ना कि मैंने इससे पैसा लिया, बताऊंगा फिर न्याय प्रक्रिया क्या होती है।